ओके 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 गाइस 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 सीरियसली मैंने देख लिया यही है आई थिंक ये राइट वाला है गाइस 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 सीरियसली मैं बता रहा हूँ क्लोज से देखना अभी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड बेसिकली आज हम लोग जा रहे हैं गॉड लाइक स्पोर्ट्स के बूट कैंप बेसिकली यहाँ से 50 मिनट अभी सॉरी क्या हो गया सो यहाँ से अभी 50 मिनट दिखा रहा है गॉड लाइक स्पोर्ट्स का बूट कैंप जो कि इधर से काफी लंबा है खारगर स्टेशन से मुझे लगा था नजदीक में सो जैसे कि आप लोग ने देखा कि खारगर स्टेशन से ये 50 मिनट्स मुझे दिखा रहा है और मुझे लगा नजदीक में होगा सो अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले यहाँ से निकल कर वहाँ पर जाएंगे कितना टाइम लगेगा इट्स अराउंड 50 मिनट्स अभी यहाँ से दिखा रहा है तो वहाँ पर पहुँचेंगे और फिर वहाँ का जो भी वीडियोस है मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा कि कैसा है वो जगह क्या क्या सारी चीज़ें जो जो चीज़ें हैं वहाँ की मैं आपको सब दिखाऊंगा आज गाइस ये जगह देखो आप लोग आई मीन मुझे वहाँ पर जाके देखना है कि वो नीचे क्या है उसके पूरा अंदर डीप है या फिर ऐसे कुछ मतलब पता नहीं अभी जाके देखते हैं फिलहाल बाकी आप लोग लोकेशन देखो मतलब ये कितना बढ़िया लग रहा है लोकेशन पूरा खाली खाली है थक गया हाँ यार थक गया कितना दूर यार चल के आया वो बोल रहा है थक चुका है वो एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ गाइस ओके तो गाइज इधर ऐसा कुछ है नहीं जैसा मैंने सोचा था यहाँ पर एक्चुअली वो क्या बोलते हैं इसको मुझे पता नहीं ओके सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके का लोकेशन है वाओ आई मीन मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ एक मिनट वाओ यार बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार ये क्या लग रहा है आप तब देखो गाइज अभी सीरियसली व्हाट द हेल मैन मतलब अगर आप नेचर लवर हो ना तो आपको ये जगह बहुत पसंद आएगी गाइस आप खुद देखो ये देखो गाइस सीरियसली ये चीज आप कैमरे में आई मीन आपको कैमरे में उतना फील नहीं आ रहा होगा आप जब रियल अपने आंखों से देखोगे ना ये जगह व्हाट द हेल प्रकाश वो तेरे को गार्डन दिख रहा है उधर गाइस सच में बोल रहा हूँ बीच में आप एक मिनट मैं भी जूम करके दिखाता हूँ गाइस ये बीच में देखो वो ऐसा लग रहा है नेशनल ज्योग्राफिक मुझे शब्द नहीं निकल रहे नेशनल ज्योग्राफिक पार्क में आ गए हम वो बीच में देखो वो लोकेशन वाओ भाई साहब क्या लग रहा है गाइस अभी आई थिंक हम लोग पहुंचने वाले ऑलमोस्ट अभी 6 मिनट दिखा रहा दिखा मैप सो अभी मैप में यहाँ पर ऑलमोस्ट अभी 6 मिनट दिखा रहा है आप लोग को देख सकते हो 6 मिनट अभी दिखा रहा है तो 6 मिनट के अंदर अभी हम लोग पहुंच जाएंगे अभी देखते हैं कहाँ से आगे से राइट ना आगे से सो आगे से थोड़ा सा राइट है वहां से तो अभी देखते हैं मेरे को मैं बहुत एक्साइटेड मुझे आई डोंट थिंक सो मुझे क्यों दिख नहीं रहा है यहाँ से इतना बड़ा बूट कैंप है दिखना चाहिए था बट अभी नहीं दिख रहा तो अभी देखते आगे थोड़ा सा राइट से सो आगे से थोड़ा राइट जाना है उसके बाद वो बूट कैंप दिख जाएगा बहुत एक्साइटेड हो यार मतलब पता नहीं दिख नहीं रहा है यहाँ से अभी देखते हैं आगे जाके एक टाइम के लिए गाइस मुझे पता है ये पीछे वाला जो जगह है ना मुझे यही लगा बट बाद में मैंने सोचा यार बहुत बड़ा है ये क्योंकि आप मतलब उसका ब्रेड देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और गॉड लाइक का जो बूट कैंप है उसका ब्रेड उतना बड़ा नहीं है मतलब ऐसे में बड़ा नहीं है ज़्यादा वो हाइट में है बराबर ब्रेड पर छोटा है क्योंकि बूट कैंप है यू नो देखना है मुझे यार अभी तो मुझे दिख भी नहीं रहा गाइस अभी भी गाइस हम लोग सीरियसली कब से चल रहे हैं यार अभी तक हम लोग पहुंचे नहीं है मेरा फोन का बैटरी लिटरली बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है मतलब मेरा जो कैमरे का बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है और अभी थोड़ा सा कितना मिनट मेरा 3 मिनट सो अभी 3 मिनट्स बाकी है गाइस सच में 6 मिनट वहाँ पर और इतना चले फिर भी अभी भी वो बूट कैंप मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ से मेरे को इतना एक्साइटमेंट हो रहा है कि मेरे को देखना है कि दिखता कैसे यार क्लोज से यार एक टाइम के लिए मेरे को पीछे वाला ही बूट कैंप लग रहा था बट फिर मेरे दोस्त ने बताया कि वो नहीं है और वो काफी ब्रेड में बड़ा था मैं एक्साइटेड हूँ मेरा हाथ दिखने लग गया यार पकड़ पकड़ कितने टेक्स बना चुका हूँ अप्रोक्सीमेटली अभी शायद आएगा किधर राइट हाँ राइट जाना है कैसे आयशा आगे से ठीक है
तो अभी आगे से राइट जाना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो आई लव खारगर, ये दिख रहा है, और यहाँ से ये राइट जो राइट टर्न जा रहा है वहाँ से हमको जाना है। व्हाट द हेल ब्रो। सो फाइनली अभी शायद दिख जाए, लेकिन अभी मुझे पता नहीं। ओके 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 गाइस 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 सीरियसली मैंने देख लिया, यही है आई थिंक, ये राइट वाला है। गाइस 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 सीरियसली मैं बता रहा हूँ, क्लोज से देखना। अभी आपको दिखाने वाला हूँ, मुझे दिख गया फाइनली इतने देर के बाद, मतलब अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट्स का, सीरियसली बोल रहा हूँ। हम लोगों ने वॉक किया, बिकॉज पता है मुझे एक्सप्लोर करना था, इसलिए मैं वॉक करके आ रहा हूँ। यहाँ पर मुझे कोई अगर गॉड लाइक वाला दिख गया ना, सीरियसली मैं कैमरा डाउन कर रहा हूँ, मुझे लगता है कोई ना कोई रहेगा। रुको थोड़ा रुको, एक मिनट। गाइस दिस इज गॉड लाइक बूट कैंप, और भी बंदे वहाँ पर आ रहे। ये है गॉड लाइक बूट कैंप का विल्ला, अभी यहाँ पर पूरा क्लोज है। ये है गाइस गॉड लाइक बूट कैंप का विल्ला, और भी फैंस है। भाई जॉनी से मिलने आया क्या? जॉनाथन बुला। गाइस गाइस बूट कैंप गाइस यही है गाइस। सीरियसली बहुत हार्ड लग रहा है यार, क्लोज से देखो आप फील कर पाओगे। आई डोंट थिंक सो कोई आने वाला है, कोई आएगा नहीं, बट मैं सिर्फ ये लोकेशन क्लोज से देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। प्रकाश इज लाइक भाई बंदा पबजी खेलता भी नहीं इतना ज्यादा, और वो बोल रहा है भाई क्यों मेरे को परेशान कर रहा है। आई थिंक एक बार न्यू स्पॉट हुआ था यहाँ पर, ये खिड़की पे न्यू स्पॉट हुआ था। पबजी फैंस वाले तो उनको सब कुछ पता होगा कि ये सब क्या बोल रहा हूँ, कौन सा लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। ये है घनश्याम विल्ला, वाओ नाइस। क्या मतलब आप खुद सोच सकते हो गाइस, क्या लाइफ होगी यार। आप खुद सोचो कि ऐसे इतने बड़े बिल्डिंग में रहते हैं ये लोग, ये देखो क्या लाइफ होगी सोचो। और लोग बोलते हैं सो एक्चुअली गाइस क्या है पता है ना, आज रक्षाबंधन है, ठीक है, रक्षाबंधन है, तो मे बी ये लोग आज कोई भी नहीं है यहाँ पर, बट वॉट एवर। अरे मेरा हाथ दुख रहा है यार गाइस, हाथ बहुत दर्द हो रहा है, पता है सच बोल रहा हूँ, क्योंकि कल बाइसेप्स का डे था, तो आई एम वेरी सॉरी, बाइसेप मारा है तो इसकी वजह से हाथ भी ज़्यादा पेन हो रहा है मेरा। बट किसका फैन है तू? गॉड लाइक जॉनाथन। खेलता हूँ बीजीएम बट ज़्यादा नहीं। अच्छा जॉनाथन को जानता हूँ, उसका वीडियो भी देखा हूँ मैंने। हाँ बस खेलता ना, टॉप फ्रेगर है अपने इंडिया का, टॉप फ्रेगर मतलब आज तक अनबीटेबल है, कितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स आए। किधर था बंदा, किधर आया है, मतलब तुम सोचो गाइस, इवन तो एवरी वन इज लाइक यार क्या लाइफ होगी गेमर्स लोगों की लाइफ। आप खुद सोचो ना, ये घर देखो गेमर्स लोगों के लिए खाली, वही चार बंदे और उनके मैनेजर जो उनको मैनेज करते हैं, वही जो चार पांच बंदे हैं उनके टीम में, घातक है, जॉनाथन है, नियो है, और जिगॉड है, और क्लच गॉड है, फिर अभी शैडो का ज्वाइनिंग हुआ है एज एन IGL। सो ये जितने भी बंदे हैं सब अभी इनकी लाइफ ऐसी है। आई थिंक शैडो तो पहले TSM में था, तो उसकी लाइफ तभी भी अच्छी थी, बट देन टू बी अब उसका गॉड लाइक में एडिशन हुआ है तो काफ़ी बढ़िया, मुझे तो जन्नत लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है। कोई दिख नहीं रहा बट इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम कभी तो कभी कोई ना कोई तो दिखेगा, एक बार फिर से आऊँगा मैं कभी ना कभी। आज कोई भी नहीं दिख रहा है यार, कोई आ जाए बस मज़ा आ जाएगा। हाँ दुख रहा है मेरा पक्का। और गाइस लोग बोलते हैं गाइस कि ये गेमिंग में क्या रखा है, तो मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों को, गेमर्स लोगों की लाइफ है गाइस, ये है गेमर्स लोगों की लाइफ, सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ। ये वही चार बंदे जो जिन्होंने कभी अपने छोटे छोटे घरों से स्टार्ट किया था गेम खेलना, किसी ने मतलब कौन से डिवाइस से खेलना स्टार्ट किया था, खेल खेल के इतना नाम कमा के ये लोग आज, मतलब तुम लोग सोच सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है गाइस ये, कि जब आप इतने बड़े लेवल पे आके परफॉर्म करने के बाद, इतने बड़े बड़े इतना परफॉर्मेंस देने के बाद आप, चलो बाय बाय। तो अभी ये लोग भी आई थिंक ये लोग भी देखने आए थे बूट कैंप, ये लोग भी बूट कैंप देखने आए थे। मेरा तो मन ही नहीं भर रहा भाई, मेरे को तो कोई दिख जाएगा बस, आई डोंट थिंक सच कोई है बिकॉज रक्षाबंधन है आज, तो आई डोंट थिंक सो कोई, मेरा हाथ उठने लग गया यार। सीरियसली इतनी देर से कर रहा हूँ बट मेरा मन नहीं भर रहा सीरियसली यहाँ पर। आई मीन यहाँ के तो वाइब क्या फील कर सकते हो भाई, पबजी तो हर कोई खेलता है यार, आई मीन BGMI गेम तो हर कोई खेलता है, बट ये जो बंदे ये लेवल पे है
वो तो इंस्पिरेशन ही होंगे हमेशा के लिए, क्योंकि आगे जाए मेरा आवाज़ नहीं जाएगा कि जो बंदे अभी ये लेवल पे है ना वो एक्चुअली इंस्पिरेशन है हम लोग के लिए। और जितने भी गेम खेलते हैं, जितने भी लोग गेम खेलते हैं, अगर वो लोग सीरियस है स्पोर्ट्स को लेकर तो ये इंस्पिरेशन है भाई, ऐसा कुछ करना है हमको। पता नहीं बोल, पता नहीं पता नहीं वो कौन है, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा। शांतनु तो नहीं लग रहा मुझे, पैसा नहीं पा रहा हूँ बंदे को, शायद वो मैनेजमेंट टीम में से कोई तो है। बट सीरियसली कोई दिख रहा है यार, कोई एक भी बंदा नहीं दिख रहा है। बट यार ठीक है, ये चलो ठीक है, यहाँ पर गेमिंग अच्छा लग रहा है काफ़ी टाइम बड़े का। इस एड्रेस ये घनश्याम बिल्ला, प्लॉट नंबर 82 सेक्टर 20। नाम भी कितना बढ़िया है यार, कृष्ण भगवान का ये जो फ्लूट है, वाह ऑसम। सो बेसिकली ये है गॉड लाइक स्पोर्ट्स का बूट कैंप। इतनी देर से खड़ा हूँ, आई मीन मेरा मन ही नहीं भर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई तो आएगा, कोई ना कोई तो आएगा। बट सीरियसली इतनी देर से कोई भी नहीं आया, बिकॉज आज रक्षाबंधन है, यू नो प्लेयर्स की भी पर्सनल लाइफ होती है, तो मे बी आज कोई भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। एक बंदा दिखा था, पता नहीं वो कौन था, मैं पहचान नहीं पाया, मैनेजमेंट टीम का कोई होगा। लेकिन यार ठीक है यार, अभी कोई आया नहीं, बट हम लोग मेरा फ़ोन की बैटरी भी बहुत कम है, बिकॉज मैं इतना चल के शूट वगैरह करके डायरेक्ट यहाँ पर आया हूँ, तो कोई भी आया नहीं। मेरे को नहीं पसंद यार गाइस चिल्ला के बुलाना, मतलब मेरे को नहीं अच्छा लगा कि चिल्ला के बुलाओ, कोई होगा नहीं होगा, नहीं अच्छा लगा। ठीक है, अभी हम लोग एक काम करते निकलते, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया। बाकी हाँ एक और चीज़, अंदर का इंटीरियर का वीडियो जो है वो गोल्ला स्पोर्ट्स का ऑफिशियल वीडियो है, वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना अंदर कैसा है। ये बाहर से तो ऐसा है, ये आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया बाहर से कैसा है, आप अंदर से एक बार चेक कर लेना, बहुत ही औसम है। अभी यहाँ पर ना 10 मिनट की दूरी पे SATUL का बूट कैंप है, एक बार वो भी देख के आते। मुझे यहाँ पर कोई दिखा नहीं, मैं कब से खड़ा हूँ, कोई भी नहीं दिखा यहाँ पर मुझे, कोई भी आया नहीं, शायद आज कोई होगा भी नहीं रक्षाबंधन यार, प्लेयर कोई दिखा नहीं, बट इट्स ओके चलेगा, कोई बात नहीं। अभी चलते SATUL का बूट कैंप एक बार देख के बस निकलते। सो गाइज अभी पहुंचे SATUL पे, ये है SATUL का बूट कैंप। सो आप लोगों को दिखेगा अभी एक सेकेंड, तो आपको मैं बताता हूँ। तो ये है SATUL का बूट कैंप, जो कि आप देख सकते हो, ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है ना प्रकाश। हाँ मस्त है, मस्त है, ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है गाइस, सच में। सच में यार गेमर्स लोग ने ना लाइफ अपनी बहुत अच्छी बनाई है मेहनत करके, सीरियसली आप लोग देखो ये SATUL का है गाइस, सीरियसली गाइस, ये मतलब इनका बालकनी एक एक का आप देखो, थोड़ा बड़ा बड़ा बालकनी एकदम, इतने ज़्यादा फ्लोर का नहीं है, बट आई थिंक उतना ही है, तीन फ्लोर, वो भी गॉड लाइक का भी तीन फ्लोर का ही था मोस्टली, सेम था ना गाइस, ये थोड़ा ब्रॉड है, ब्रॉड है थोड़ा, और फ्लोर्स थोड़े, इसके बालकनी काफ़ी बड़े, ये भी बहुत बढ़िया है। पता नहीं यहाँ पर अभी कोई है शायद, ये दरवाज़ा खुला है आप देख सकते हो इधर से, पता नहीं आपको दिखेगा, दरवाज़ा खुला है वहाँ का, कोई आ जाए मज़ा आ जाएगा। तो हम लोग फाइनली अभी पहुंच गए गाइस SATUL बूट कैंप पे, और वहाँ का दरवाज़ा खुला भी है, मुझे पता नहीं वहाँ पर कोई है या नहीं है, बट अब देखो ये SATUL का बूट कैंप, उतना ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी फ़ोन की बैटरी गाइस लिटरली बहुत ज़्यादा डाउन है, क्योंकि वहाँ पर स्पोर्ट वो लाइक वाले में गॉड लाइक स्पोर्ट्स के वहाँ पर टाइम स्पेंड किया, फिर पूरे घर घर से चलते चलते पूरा ब्लॉग वगैरह सारी चीज़ें एक्सप्लोर किया, मस्त है, ये भी बहुत बढ़िया है। इंडियन टीम इतनी अच्छी जगह पर रहती है, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है, इतना इतना फैसिलिटी है गेमर्स लोगों को इंडिया में, और लोग बोलते हैं और अपने मॉम डैड पेरेंट्स बोलते हैं गेम वगैरह में कुछ नहीं रखा है, एक्चुअली अगर करने जाओ तो हो सकता है, सबका नहीं होता, मेहनत बहुत करना पड़ता है, इसलिए अभी तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। यहाँ पर भी कोई नहीं आ रहा है भाई बालकनी में, नसीब भी नहीं है, रक्षाबंधन का कोई भी नहीं है मोस्टली, मैं इसलिए आया हूँ बिकॉज मेरा टाइम नहीं रहता मेरे पास, एक्सप्लोर कर ही लेते हैं, कोई दिखे नहीं दिखे यार ठीक है, दिल में होनी चाहिए लोग। देखो SATUL का, इनका भी आई थिंक जो गेमिंग का वीडियो है, जो अपना इनके बूट कैंप का वीडियो है, वो भी डिस्क्रिप्शन में ला दूंगा, इंटीरियर आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी बाहर से मैं आपको दिखाऊंगा।
गाइस जहाँ तक मुझे लग रहा है एसएटी वाले बूट कैंप में जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये दरवाजा खुला है, सीरियसली बोल रहा हूँ। यहाँ पर मुझे आवाज़ आ रही है, कोई तो प्लेयर है अंदर, मेरे को शर्म आ रही है बुलाने के, लिटरली मुझे शाय फील हो रहा है, लेकिन मैं बुला लेता उसकी, कोई ना कोई है, नहीं अच्छा लगता यार चिल्ला के बुलाने वाले से, मैनर्स नहीं होता ऐसा। वो लोग आए तो आए ठीक है, अलग बात है कि बुलाने को अच्छा लगता नहीं है। अभी मुझे ना गाने का भी साउंड आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ना मुझे किसी के बात करने की आवाज़ आ रही थी, आई डोंट नो कौन था, बट मेरे जाने का भी टाइम हो रहा है यार, कोई दिख जाए बस। गाइस थोड़ी देर पहले दरवाज़ा अभी चालू था, अभी बंद हो गया दरवाज़ा, कोई तो आया था दरवाज़ा बंद किया, बट मुझे मैं देख नहीं पाया कौन था। देखो दरवाज़ा बंद हो गया वही फ्लोर का, ठीक है भाई। मैं बोला ना कोई तो बोल रहा था कुछ, तो मैं बोला तेरे को ना कोई तो कुछ बोल रहा था अंदर, कोई तो कोई है ये फ्लोर पे, कोई तो था ये वाला फ्लोर पे। मतलब अभी दरवाजा वहाँ पर बंद हो, प्रकाश बोल रहा था कोई किसी को तो देखा उसने, देखो 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 उधर से भी एक जन, वो कांच के इधर से मुझे दिख रहा है कौन था पता नहीं अभी, अभी ये कांच दिख रहा है वहाँ से गया कोई, चाहिए था वीडियो थोड़ा। वो देखो दरवाजा खिड़की भी बंद है, ओ भाई इज्जत ही नहीं भाई, खिड़की बंद कर दिया भाई। सो गाइस अभी खिड़की भी बंद हो गया गाइस, वो देखो वो आप खिड़की देख सकते हो, विंडो। सो गाइस विंडो भी बंद हो गया, अभी विंडो भी चालू था, दरवाज़ा भी बंद हो गया, विंडो भी बंद हो गया। मुझे खुद को नहीं अच्छा लग रहा है, उनको उनकी भी प्राइवेसी है, नहीं अच्छा लगता ऐसे, बट इट्स ओके। चलो मज़ा आया है यहाँ पर भी आके। अभी मेरा फ़ोन का बैटरी भी डाउन हो रहा है गाइस, अभी हम लोग निकलने का टाइम आ गया, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा देर से हम लोग यहीं पर है। चलते गाइस अभी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आज का दिन एक्सप्लोर करने में गेमिंग हाउसेस को, और भी बहुत सारे गेमिंग हाउसेस जो हमारे इंडिया में है, इंडिया में नहीं मतलब मुंबई, नवी मुंबई में जहाँ पर भी है गेमिंग हाउसेस, हम ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे जितने भी कर सकते। तब तक के लिए गाइस पीस आउट। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और खारगर लोकेशन आपको टोटली कैसा लगा वो भी मुझे बताना, मैंने एक्सप्लोर करके दिखाया आपको, कोई भी गेमर नहीं दिखा, बट इट्स ओके, बहुत मज़ा आया आज का दिन। आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय गाइस, आपको ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए गाइस पीस आउट।